गूगल एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप गूगल डिस्प्ले एड्स चला सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कीवर्ड टारगेटिंग की मदद से। हम सब एग्जैक्ट परफेक्ट ऑडियंस टारगेट करना चाहते हैं ताकि सही ऑडियंस तक हमारा ऐड पहुंचे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आए। तो दोस्तों, लोग गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, तो उन कीवर्ड्स जो हम चाहते हैं कि ये कीवर्ड्स हमारा ऑडियंस सर्च कर रहा होगा, तो जो लोग ये कीवर्ड्स पर्टिकुलर सर्च कर रहे हैं उन्हीं को हमारा ऐड दिखे ताकि हम अपने रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंचे, उसके लिए हम कीवर्ड टारगेटिंग की मदद लेते हैं। तो इसलिए कैसे आप अपने टारगेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने रेलिवेंट ऑडियंस को ऐड दिखा पाओ, वो आज आप सीखोगे प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और ये गूगल एड्स आप पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप इसका बेनिफिट अपने करियर में, जॉब में या बिजनेस में ले पाओ। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से 50 से ज़्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो, जो भी आपको सीखना है। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज ला रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हम लोग हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले एड यूजिंग कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, राइट। तो सिंपली चलते हैं हम लोग अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे, और इस बार जो हम लोग कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, राइट। डिस्प्ले एड्स में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि टॉपिक, कीवर्ड, प्लेसमेंट। तो हम लोग इस वीडियो में कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करेंगे। टारगेटिंग ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फटाफट एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ कैंपेन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कैंपेन लेवल पे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर ऑल कैंपेन्स में, यहाँ पर हम लोग व्यू ऑल कैंपेन्स लेवल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, न्यू कैंपेन, डन। नाउ सिंपली हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, राइट। और हम लोग डिस्प्ले एड्स बनाने वाले हैं और ये हमने अपना गोल सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लिया, राइट। अब बिजनेस वेबसाइट जो भी है आपकी, अपना यूआरएल यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, बाकी आगे जाके भी आप डाल सकते हो, राइट। तो हम लोग एक नया कैंपेन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं डिस्प्ले 7 से, राइट। सो नाउ अब गाइस, यहाँ पर आपको लोकेशन टारगेटिंग करनी है, आपको इंडिया लेवल पे करना है, स्पेसिफिक अनदर लोकेशन करना है। तो यहाँ पर आप अपना एडवांस सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि आपको एडवांस टारगेटिंग करनी है, किसी लोकेशन को इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, रेडियस वाइज टारगेटिंग करनी है, तो यहाँ से आप टारगेटिंग कर सकते हो। मान लो हम लोग यहाँ पर दिल्ली टारगेट करते हैं, ठीक है, दिल्ली में भी कोई लोकेशन हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप शो ऑन ऑल एरियाज पे क्लिक करके यहाँ पर आप उस लोकेशन पर जूम करके क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो उस लोकेशन को, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने दिल्ली टारगेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने जूम किया दिल्ली को, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली हमारा टारगेट हो गया। और मान लो मुझे ये जो है एरिया एक्सक्लूड करना है, ठीक है, तो मैंने शो ऑल एरियाज पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके इसको कर दिया एक्सक्लूड। तो आप एक्सक्लूजन इंक्लूजन इस टाइप से कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया, राइट, इसको एक सेकेंड कैंसिल कर लेते हैं, ओके। नाउ ये हमारे ऑप्शंस हो गए हमारे लोकेशन टारगेटिंग के अंदर, ओके। वही लोकेशन ऑप्शंस में मिल जाता है आपको प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यानी कि जो लोग रहते हैं और रेगुलरली आपके इस एरिया में आते हैं, जो भी अपने टारगेटेड लोकेशंस में आते हैं और या फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको हमारी ऐड ट्रिगर होगी, उनको हमारी ऐड दिखेगी। सेकेंड ऑप्शन हमारा ये है प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, यानी कि जो रहते हैं और रेगुलरली आ रहे हैं आपके टारगेटेड लोकेशंस पे, उनको हमारी ऐड दिखेगी, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको मिल जाते हैं यहाँ पर टारगेटिंग लोकेशन ऑप्शंस के अंदर। और वहीं एक्सक्लूड का भी सेम है, अपोजिट है, इसका अपोजिट है, यानी कि पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, जो एक्सक्लूडेड लोकेशन में है उनको हमारी ऐड नहीं दिखेगी, राइट। सो ये सारा हमारा था हमारा लोकेशन, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरे पैन इंडिया को टारगेट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो लैंग्वेजेस हमने सेलेक्ट कर लिए, हम ऑल लैंग्वेजेस को टारगेट करेंगे, तो सारे लैंग्वेजेस आपके बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके। सो मोर ऑप्शंस में आपको मिल जाता है एड रोटेशन, यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग एड या फिर रोटेट एड इनडेफिनेटली, मींस कि अब जब लास्ट लेवल पे जाके आप मल्टीपल एड्स बनाते हो, तो उसमें से जो सबसे अच्छा एड परफॉर्म कर रहा होगा वही क्या करेगा, गूगल उसी एड को हर किसी को दिखाएगा। रोटेट एड्स इनडेफिनेटली में ये होता है, यानी कि मान लो आपने 4 एड्स बनाए हैं लास्ट लेवल पे जाके, यानी कि इस लेवल पे जाके 4 एड्स बनाए हैं,
तो उसमें ना हर एड हर किसी को दिखेगा, ठीक है, मतलब रोटेट होता रहेगा, एक ही एड हर किसी को नहीं दिखेगा। पहला वाला ऑप्शन में था ऑप्टिमाइज, यानी कि फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा एड, जिसपे अच्छे सीटीआर, जिसपे अच्छे इंप्रेशन, जिसपे अच्छे क्लिक्स, इंटरेक्शन जिसपे अच्छे आ रहे होंगे, वही एड हर किसी को दिखेगा। इस वाले केस में वो नहीं, इसमें क्या है कि जो भी आपने चार बनाए सब इक्वली दिखेंगे हर किसी को, राइट। सो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में हम आते हैं, एड शेड्यूल आप यहाँ पर कर सकते हो, ऑल डे शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस में आप शो ऑन ऑल डिवाइसेस, मतलब आपको अपना एड किस पर दिखाना है, हर डिवाइस में दिखाना है, या फिर एड शेड्यूल कहाँ किस दिन कब कब करना है, किस टाइम से किस टाइम तक करना है, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक सिंगल डे का भी कर सकते हो, जैसे मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडेज का, फ्राइडेज का, और वीक डेज का, और वीकेंड डेज का, यहाँ से आप अलग अलग सेट कर सकते हो, राइट। बाकी अभी तो बाई डिफॉल्ट ये ऑल डेज पे सेट है, तो ये 00 to 00 तक चलेगा, यानी 12 बजे से 12 बजे तक आपकी एड ट्रिगर चलती रहेगी, राइट। नाउ डिवाइसेस में आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि शो ऑन ऑल डिवाइसेस, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइसेस भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मान लो मुझे कंप्यूटर्स पे नहीं दिखानी है अपने एड्स, या फिर टैबलेट्स में नहीं दिखानी है, और दिखानी भी है तो इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कौन सा डिवाइस मॉडल होगा, कौन सा नेटवर्क होगा। मान लो 2G 3G लोग यूज कर रहे हैं, हम उनको नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ से हम लोग नेटवर्क वगैरह भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है कैंपेन यूरल ऑप्शन, जिसमें हम लोग अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह लगा के ट्रैकिंग के पर्पज से यूज करते हैं। डायनेमिक एड हमें अभी बना ही नहीं है। स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या रखनी है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या रखनी है, तो यहाँ पर अभी नन है, यानी कि कैंपेन आपको कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब जब इसमें बजट एड रहते रहेंगे, ठीक है, मतलब बिलिंग होती रहेगी, राइट। कॉन्टेंट एक्सक्लूजन में होता है कि आपको किस टाइप के कॉन्टेंट से इसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि प्रोफेनिटी, रफ लैंग्वेजेस पे आपको अपना कंटेंट, यानी कि अपना डिस्प्ले एड नहीं दिखाना, तो इस पे आपका डिस्प्ले एड नहीं दिखेगा इस टाइप के कंटेंट्स पे, ठीक है, या फिर एम्बेडेड वीडियोस पे अगर आपको नहीं दिखाना है तो एम्बेडेड वीडियोस पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे नहीं दिखाना तो उस पर भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ से सिंपली आपको वो कैटेगरीज को यहाँ पर चेक करना है, तो उन कैटेगरीज पे जो है हमारा जो डिस्प्ले एड है वो नहीं दिखेगा, राइट। तो हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्शन कर रखे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कैंपेन यूआरएल और डायनेमिक, जिसमें आप अपना ट्रैकिंग टैम्पलेट वगैरह यूज करते हो, बट डायनेमिक एड तो हमें बनानी नहीं है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट। अब हमने अपना बजट डिसाइड कर लिया है, डिस्प्ले कैंपेन है तो 1000 लेकर चलते हैं, ठीक है, 1000, और हम लोग कौन से बिडिंग रखेंगे, सिंपल सी बात है, व्यूएबल सीपीएम, यानी कि सीपीएम बिड हमारी यूज होगी, व्यूएबल इंप्रेशन, यानी कि वीसीपीएम, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी बिड सेट कर दो कि 1000 रुपीज पे आप कितना पे करना चाहते हो, तो आई मीन 1000 इंप्रेशन पे आप कितना पे करना चाहते हो, ठीक है। तो VCPM का मतलब क्या होता है, व्यूएबल कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे आपका कुछ जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। 1000 टाइम्स जब आपका एड अपीयर होता है, यानी कि आपका जो डिस्प्ले एड 1000 टाइम लोगों को दिख जाता है, टोटल 1000 टाइम्स आपका दिख जाएगा एड, तो कुछ आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, उसका एक अमाउंट सेट कर दिया है कि हम लोग 20 रुपए पे करेंगे, ठीक है। 1000 टाइम्स जब हमारी अपीयरेंस होगी तो हम लोग का जो है 20 रुपए हम पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको मैट्रिसेस में दिख रहा है एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस में कि जो आपकी एवरेज वीसीपीएम कटेगी, यानी कि व्यूएबल कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 इंप्रेशन पे आपके या तो 9 रुपए से लेकर 19 रुपए तक की अमाउंट डिडक्ट होगी, ठीक है। हमने 20 का एवरेज सेट कर रखा है तो वो 9 से 19 के बीच में आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, और उसमें आपको कितना इंप्रेशन मिल जाएगा, यहाँ पर एस्टिमेटेड जो भी यहाँ पर आपको बजट के अकॉर्डिंग दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 640K to 1.3 मिलियन इंप्रेशन, राइट। और यहाँ पर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब वाइस एड टारगेटिंग में आपको टारगेटिंग सेट करना है, ऑडियंस सेगमेंट सेट करना है, मान लो को किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को ही दिखाना है, जैसे कि एंटरटेनमेंट या फिर मार्केटिंग ऑडियंस को दिखाना है, तो सिंपली आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जैसी सर्विसेज में आप सेलेक्ट करते हो तो उन्हीं ऑडियंस को हमारी एड दिखेगी, वहीं आप इसमें सेलेक्ट नहीं करते हो तो ब्रॉड ऑडियंस हो जाती है, तो हर किसी को दिखती है जो भी आपका जो भी आपने आगे के सेटअप कर रखे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन रखेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको इंप्रेशन ला के दे आपके जो भी बजट है, ठीक है, बेसिकली वो सिमिलर ऑडियंस को टारगेट करता है, राइट। नाउ डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं, तो डेमोग्राफिक्स में आप अपना एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस एज ग्रुप को अपनी एड्स दिखानी है, 45 प्लस वालों को हमें नहीं दिखानी है, तो हम लोग यहाँ पर 18 to 44 वालों को ही एड दिखाएंगे, राइट। और जेंडर क्या रहेगा, पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम का तो डेटा रहता ही नहीं है इंडिया के पास,
तो इसको हम ऑलवेज चेक ही रखते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इस पर्टिकुलर वीडियो में, हम वैसे बात करने वाले थे कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग की, राइट। तो हम उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर हमें क्या करना है, कीवर्ड्स ऐड करने हैं। मतलब कोई इस चीजों से रिलेटेड टर्म्स को सर्च करता है वेबसाइट्स पे कहीं भी, ठीक है, तो हमारे डिस्प्ले एड्स क्या होंगे, उनको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको टर्म्स डालने हैं, जो भी आपके मतलब कीवर्ड्स डालने, ठीक है। तो आपको अपने कीवर्ड्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि आपको क्या कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं। आप वो चीजें पहले से फाइनलाइज कर लो कि हाँ इस टाइप के लोग चीज जो चीजें हैं लोग सर्च करते हैं और वो चीज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब जब वो लोग सर्च करते हैं कहीं भी इन चीजों को, इन टर्म्स को सर्च करते हैं, तो हमारी डिस्प्ले एड्स उनको दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग कर दी, राइट। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अपने कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को पेस्ट करता हूँ, जैसे कि हमारा जो नीश है वो कुछ टीवी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमने वो कीवर्ड्स को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लोग कीवर्ड्स को पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे कि स्मार्ट एलईडी टीवी, एलईडी टीवी प्राइस, आईपीएस एलईडी टीवी, आईपीएस पैनल टीवी 32 इंच एंड ऑल। तो ये हमने यहाँ पर कीवर्ड बेसिस टारगेटिंग कर दिया, राइट। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको डन करके, यहाँ पर हमने आगे कंटिन्यू कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, राइट। तो ये जो हम कैंपेन बना रहे हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर कैंपेन बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग अपना फाइनल यूआरएल वगैरह डालेंगे, तो जो हमारा फाइनल यूआरएल है वो है adsandtv.com और ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बिजनेस नेम हमारा एड्स एंड टीवी, इमेजेस हम लोग यहाँ पर 15 तक की ऐड कर सकते हैं, तो इमेजेस हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, ठीक है, एसेट लाइब्रेरी में हमने पहले से अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इमेजेस जो भी डायमेंशन के साथ हमने बना रखी है, ठीक है, इसको हमने सिंपली क्या कर दिया, अपलोड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐड कर देते हैं फटाफट इसको, और ये सारी चीजें हम सेलेक्ट करने के बाद डन, यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या कर लो, इसको सेव कर लो, डन। नाउ अब गाइस यहाँ पर जो एड स्ट्रेंथ है हमारी वो क्या है, अभी इनकम्प्लीट है भाई, बिकॉज हमने अभी इमेजेस वीडियोस हेडलाइंस प्रॉपर यूज नहीं किए, ठीक है। इमेजेस यूज कर लिए हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर एवरेज दिखा रहा है, जैसे ही हम हेडलाइंस को भी यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ये लेवल भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो लोगो इसने ऑटो फेच कर लिया एड्स एंड टीवी, यहाँ से आप लोगो भी अपना एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। वीडियो हम देख लेते हैं कि हमारे पास वीडियो है कि नहीं, तो वीडियो हमारा यहाँ से, वीडियो हमारा ऑलरेडी एडेड है एसेट लाइब्रेरी के अंदर। बाकी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, अगर आपने पहले से कोई वीडियो अगर डाल रखी है तो उसको भी आप अपने डिस्प्ले कैंपेन में यूज कर सकते हो, राइट। तो वीडियो वाला भी ऑप्शन चेक हो गया, बस हमें क्या करना है, हेडलाइन वगैरह ऐड करनी है। तो हेडलाइन कुछ मल्टीपल हेडलाइंस जैसे हम लोग ऐड कर देते हैं, अफोर्डेबल प्राइजेस, प्रीमियम क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइजेस ऐड कर दिया, होम एड्स एंड टीवी। तो हमने कुछ 5 यहाँ पर हेडलाइंस ऐड कर दिए। लॉन्ग हेडलाइन इसने ऑटो फेच कर लिया है, गेट द बेस्ट क्वालिटी टीवी एड्स इंडियाज लोवेस्ट प्राइस शॉप नाउ। तो इसने ये काफी अच्छा एक हेडलाइन यूज कर लिया है, लॉन्ग हेडलाइन। नाउ अब डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में देखो आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, 90 कैरेक्टर्स का। पहले यहाँ पर पहले से कुछ सजेशन आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन के, तो हम लोग इसी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर मैं और भी सजेशन आ रहे हैं, ठीक है, बी ऑफर द इन टू डेज कनेक्टेड वर्ल्ड एंड ऑल। तो यहाँ पर हमने ये जो है अपनी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर ऐड कर दी। तो अब क्या है, हमारी जो एड स्ट्रेंथ आ रही है वो क्या आ गई है, एक्सेलेंट आ गई है। वाई, बिकॉज हमने इमेजेस भी यूज की हैं, डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर यूज की हैं, ठीक है, हमारे कीवर्ड्स भी उसमें आ गए हैं, फाइनली वर्ल्ड बिजनेस नेम हमने पूरी चीजें प्रॉपर करी है, दैट्स वाई हमारा जो हेडलाइन, इमेजेस, वीडियो सब कुछ चेक आ गया। और यहाँ पर हमारी जो एड स्ट्रेंथ है वो क्या आ गई है, एक्सेलेंट है। तो आपकी कुछ इस टाइप से आपका प्रीव्यू दिखेगा जब लोग अपनी वेबसाइट वगैरह में देखेंगे, एप्लीकेशन वगैरह में देखेंगे, राइट। देन तो इस टाइप से आप अपना यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो एड। और मान लो आपको और भी डिस्प्ले एड्स बनाने हैं, यानी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड बनाने हैं, तो आप सिंपली न्यू एड पर क्लिक करो और अपना यहाँ पर एड बना सकते हो, राइट। सिंपली हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेवल हमारा रिव्यू लेवल, जहाँ पर हम लोग अपना रिव्यू करेंगे कि हमने कैंपेन नेम क्या रखा था, कैंपेन टाइप क्या रखा था, उसमें गोल क्या थे हमारे, लोकेशन क्या हमने टारगेट किया था, लैंग्वेजेस और हमारा एड शेड्यूलिंग क्या थी, कंटेंट एक्सक्लूजन, बजट और बिडिंग क्या थी, ठीक है। तो बिडिंग हमने क्या रखी है, सीपीएम, राइट। और हमने कौन से बेसिस पे टारगेटिंग करी है, कीवर्ड बेसिस पे टारगेटिंग करी है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स भी हमने सेलेक्ट कर रखा है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हमारा ऑन है, राइट। तो हमें जो यहाँ पर एस्टिमेट दिख रहा है, जो हमारी एवरेज सीपीएम जाएगी वो 9 रुपये जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम और 0.76 रुपीज टू 9.95 रुपीज तक जाएगी, और उसमें आपको इतना इंप्रेशन वगैरह मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने कर दिया पब्लिश कैंपेन डन।
ओके सो यहाँ पे पब्लिश होने के बाद आपका जो कैंपेन है वो रिव्यू मोड में जाएगा एंड रिव्यू होने के बाद आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा राइट। सो गाइस इस टाइप से आप अपना डिस्प्ले एड बना सकते हो यूजिंग कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग राइट। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोज में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर आ सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने प्रोडक्ट सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।